वालेकुम गाइस, अली असगर एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम। तो कैसे आप लोग? हम लोग भी मस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, मतलब संडे की मॉर्निंग हो चुकी है। तो गाइस अभी मैं काम पे से कल आया था, आप लोग ने जैसा नीला के ब्लॉग में देखे, और माशाल्लाह मेरी औरत को तो देखो भाई, क्या बात है क्या बात है। तो नाश्ता तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बना रहे तुम खान? हाँ, सरसों का साग, रोटी है बनेगी, रोटी से क्या खाएंगे बोलो। रोटी और अंडा जो फेवरेट है मेरा, हमेशा की तरह हम लोग मुंबई वाले छोकरे लोग को दो तीन चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, जैसे अंडा हो गया, टोस्ट हो गया, खारी हो गई, ये सब चीज़ ही खाते, खाना नहीं खाते नाश्ते में, क्योंकि नहीं जमता मुंबई के छोकरे लोग को। तो गाइस अभी देखते हैं आगे और क्या क्या बनाती मेरी औरत मेरे लिए, क्योंकि कुछ बोली मैं अभी आपको अच्छा अच्छा खिलाऊंगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत अच्छा अच्छा खिला दी थी, थोड़ा मूड ऑफ है, मैं काम पे जा रहा हूँ, अकेली पड़ गई है, क्योंकि इतने साल बाद तुम अकेले अकेले रहने लग गई हो। अभी मैं एक दिन दो दिन में इसकी हालत हो गई है ना जान, मूड तो ऑफ होना ना जान, इतने साल से तुम मेरे साथ रह रहे थे, कुछ ना कुछ सुबह सुबह चालू या तुम्हारा देखो आज आदमी की खबर हो रही है माशाल्लाह। उसको तो पहले भी थी, तो बोलती बोले जान तुम जा सकोगे, बार बार कंफ्यूज करेगी। बोला नहीं अब मुझे जाना है, मैं घर में बैठ के बहुत कंटाल गया हूँ। तो गाइस अली की मॉर्निंग हो गई, अभी ब्रश कर रहा है। अली क्या खाना है बेटा? क्या क्या खाना है आपको, क्या बनाओ? रोटी और अंडा। रोटी और अंडा खाएंगे, ठीक है चलो बनाते हैं। ये ब्रश क्या मतलब हुआ तुम्हारा? ब्रश करके देखो, कोलगेट तो तुम गिरा दिए। चूहा मेरे को खाना चाहिए कोलगेट, तो चूहे को साफ हो जाना है, पूरा गंदा रहता है, तो चूहे के लिए छोड़ा वो कोलगेट। ये देखो अली को ब्रश करके लेटा है वो। हाँ इसी से वो बस ब्रश करता है, लेटता है, मोबाइल देखता है। बेटा कल फर्स्ट पेपर है आपका, किसका है? हाँ क्राफ्ट का, बहुत बड़ी एग्जाम है इसकी गाइस, तो दुआ करना। हम लोग खाना ना खाते नहीं आजकल के बच्चे लोग ना, या हालत देखो इसकी कैसी दुबला होती है। क्या खा लिया था? तो गाइस चलो फिर नाश्ता करके मिलते हैं हम लोग। तो गाइस चलो जान, हाँ चलो बना देते, बनाओ नाश्ता खिलाएंगे, तो मैं जाऊंगा काम पे और तुम अकेले रह जाएगी। तो गाइस फाइनली हम लोग का नाश्ता आ चुका है, और मेरा भी फेवरेट अंडा है, और मेरे बच्चे का भी फेवरेट अंडा है ना अली। हाँ मम्मा, केचप। अली का नाश्ते के साथ केचप बहुत पसंद। आजकल बच्चे लोग को सर्दी बहुत हो रही है, क्योंकि इसने परसों पिया था। क्या पिया था? क्या बोल बोल। हाँ तो इसने आइसक्रीम भी खाया था, तो वो हिसाब से इसकी सर्दी हो गई और बहुत दुबला होते जा रहा है। क्या पता नज़र लगी क्या लगी, अल्लाह मालिक। नज़र इसके दादा के हाथ से उतारेंगे कल हम लोग, है ना? हाँ स्कूल बाद जाके, तो बहुत दुबला हो गया है, नज़र लगते रहती है इसको बार बार। हाँ। मस्ती भी बहुत करने लगा आजकल, और डांटी भी बहुत सुनने लगा है मेरी, है ना? चलो गाइस आगे देख। सो गाइस अली का कल है एग्ज़ाम। हाँ बनाओ अभी उसको, उसका फेस बनाओ, बड़ा वाला फेस बनाना अली, वो छोटा है उससे बड़ा बनाओ, उसको मिटाओ। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग का नाश्ता वाश्ता भी हो गया, सब हो गया, और अभी अली के एग्ज़ाम में आपको जैसे बताया था कल से, अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के लिए। गाड़ी बहुत दिन से चली नहीं है, खड़ी खड़ी ख़राब हो रही है, तो इसके लिए अभी अली की पढ़ाई भी चालू हो चुकी है ना अली। बटरफ्लाई बटरफ्लाई बनाया अली ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखो गाइस, चलो गाइस आगे देखते रहो। सो अली का बन चुका है बटरफ्लाई, बताओ बेटा, वेरी गुड। कल कैसा बनाओगे? अच्छा, इससे भी अच्छा। हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं आ चुका हूँ अभी गाड़ी गर्म करने के लिए, क्योंकि दो हफ्ते से गाड़ी यूज़ नहीं हो रही है, आज जाके गाड़ी गर्म कर लूँ, तो गर्म कर दिया हो गाड़ी को। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर खाना खाने के लिए, अच्छी होटल है मैं सुनने में आया, तो देखते हैं। अभी मैं अपनी बुआ के बर्थडे के ही जा रहा हूँ, मैंने ये भी पहनाऊँ, ये भी पहनाऊँ, और ये भी पहनाऊँ, तो आपको मिलती है बुआ के बर्थडे में। और हम दोनों माँ बेटे मिलके जा रहे हैं गाइस, है ना, बुआ के पास। चलो गाइस, लोग तो मम्मी की ड्रेसिंग, हेलो गाइस, मम्मी मेरी ड्रेसिंग दिखा ना। हां
ये है अली की ड्रेसिंग। अली आगे निकल गया है, उसके डैडी भी आ गए। सो गाइस हम आ चुके हैं शालीमार। आज शालीमार में है बर्थडे। चल अली। सो गाइस हम आगे बैठ गए शालीमार पे। भाभी लोग आए नहीं अब तक के। ये अच्छा लग रहा है ना इसी बर्थडे में। अली क्या खाना है आपको? अली मेनू कार्ड कैसे देख रहा है? देखो क्या खाना है बोलो अली। सो अली आ गई है आपकी बुआ। बुआ को बर्थडे विश किया आपने? हैप्पी बर्थडे भाभी। चलो फिर अभी ऑर्डर देते है ना। सो गाइस हम लोगों ने अभी ऑर्डर दिए है। फास्ट फूड का कुछ खा नहीं रहे लेकिन हम लोग चटपटा खाने के लिए ऑर्डर दिए हुए। और हमारा आया हुआ है ऑर्डर दही पूड़ी, क्योंकि अली को खाना था पानी पूड़ी, इसलिए सबने मंगाए दही पूड़ी है ना भाभी। और इसका ये अच्छा हुआ है स्टफिंग है ना। अली को मीठा डाल के देती हूँ। तो चलिए गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। अभी धीरे धीरे और भी चीज़ें मंगाते रहेंगे। सो गाइस दही पूड़ी हो गई है खा के। अभी आया हुआ है फ्रेंच फ्राई। अभी और क्या मंगाए इसके बाद भाभी? अली को खाना था ना पिज्जा है ना अली। बहुत गरम गरम है, आराम से खाओ। गरम गरम आराम से खाओ। चलो गाइस गरम गरम बेटा आराम। अली क्या बोल रहे हो? इतना बड़ा पिज्जा। सो गाइस ये आया हुआ है 12 इंच का पिज्जा। चार इंच का पिज्जा हमारे पेट में साइड में जाएंगे। 12 इंच है ये। 12 इंच। हाँ भाभी क्या बोल रहे हैं? 12 इंच है लेकिन हम लोग को छोटा लग रहा है। छोटा लग रहा है और दो मंगाना चाहिए था नहीं। इंशाल्लाह गरम है अली। रुको मम्मा ठंडा करके देती हूँ। गरम 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 गरम। सो गाइस आ गया है हमारा फालूदा। ये तो खत्म भी हो गया, ये चालू है। तीन तीन फालूदे आ गए है ना भाभी। चलो भाई कर दो। बता नहीं सकते। बुआ का फोन लेके बैठ गया ये यहाँ पे। फैसल भाई डिलीट कर देंगे वो है ना। चलिए गाइस फालूदे का मजा लेते हैं हम लोग। मेरे को एक चीज पूछने का है, फैसल भाई से क्या लिया तुमने? स्मार्ट वॉच और गले की चेन। बर्थडे गिफ्ट? हाँ बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों गिफ्ट एक साथ। भाभी तुम्हारी तो निकल गई। ईद मुबारक। अरे ईद मुबारक कर रहा है। दिखाना दिखाना मेरे को चैन दिखाना कैसे। स्मार्ट वॉच जो पहने ये वाली दी है मैंने। वो उनके जेब में ये तो बैग छोटा करवाना था। हाँ चलो ठीक है गाइस हमारा भी हो गया, सब खा लिए पी लिए मजे। भाभी 5 मिनट बैठ के क्या करेंगे? पैसा वसूल करके जाएंगे। ऐसी की हवा खाएंगे। सही बोल रहे हैं। आ गए हैं हम लोग को लेने के लिए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह खाना ना सब हो गया माशाल्लाह से लोग का। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हिट द बेल आइकन और कमेंट भी करो। और मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।